कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों में भी मोतियाबिंद हो सकता है। इस तरह के काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, मैम क्या जो मोतियाबिंद जो होता है या जिसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं, क्या वो बड़े में ही होता है, मीन्स 40+ के लोगों में ही होता है, या फिर वो छोटे बच्चों में या एट द बर्थ भी हो सकता है, और होता है तो क्यों होता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है, क्या छोटे बच्चों का ऑपरेशन, अगर छोटे बच्चे में मोतियाबिंद हो जाता है, क्या उनका ऑपरेशन बचपन में ही किया जाता है या फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है देन तब किया जाता है। तो इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं पेशेंट के मेरे से। सो इसी के ही बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोतियाबिंद होता क्या है, देन काफ़ी वीडियो में मैं मोतियाबिंद के बारे में आपको बता चुकी हैं, तो एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ बेसिकली मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद क्या है, हमारी आँख की एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, जिसमें क्या होता है, हमारी आँख का जो लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है, या ये कहें कि लेंस जो है वो ओपेक हो जाता है। जब हमारा लेंस जो ट्रांस हमारा जो लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मीन्स पूरा क्लियर होता है, और उसमें किसी वजह से या एज रिलेटेड या आँख में कोई चोट लग जाती है, दैट उस वजह से अगर वो लेंस जो है वो सफ़ेद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, वो कंडीशन हमारी मोतियाबिंद कहलाती है, या फिर लेंस हमारा ओपेक हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम मोतियाबिंद बोलते हैं। लाइट से जो रेज आती हैं वो सीधा हमारी रेटिना या पर्दे पे नहीं पहुंच पाती हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। देन इसका जो विज़न जो होता है वो डिपेंड करता है कि मोतियाबिंद कितना है। अगर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा मैट हो जाता है, मैच्योर कैटरेक्ट होता है, उस कंडीशन में बहुत कम विज़न होता है, स्टार्टिंग है, देन स्टार्टिंग का मोतिया है तो विज़न सही रहता है, चश्मे के साथ हम थोड़ा क्लियर देख पाते हैं। सो अब हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद किन किन एज में होता है, क्या ये मोतियाबिंद सिर्फ बड़ों में ही देखने को मिलता है, मीन्स 40+ में होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो मोतियाबिंद जो होता है वो ज़रूरी नहीं है 40+ में ही देखने को मिले। मोतियाबिंद जो है आपका एट द बर्थ भी हो सकता है, और चोट लग अगर कोई भी बच्चा है या कोई एडल्ट है देन उसको कोई आँख में चोट लग जाती है, सिर में चोट लग जाती है, तो उस वजह से भी मोतियाबिंद हो सकता है। जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनको एट द बर्थ भी मोतिया होता है, देन ये बात बिल्कुल गलत है कि मोतियाबिंद 40+ एज में होता है, या फिर अगर छोटे बच्चे को नहीं हो सकता, ये छोटे बच्चे में भी हो सकता है, लेकिन उसका कोई रीज़न, वो जब छोटे एज से पहले जो होता है, एक होता है हमारा एज रिलेटेड का मीन्स 40+ में या 50+ में सबसे ज़्यादा जो मोतिया देखने को मिलता है वो 50+ एज में मिलता है। देन अगर 50+ या 40+ एज से अगर देखने को मिलता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है, लाइक अगर पेशेंट का क्या है, सिर में चोट लगी हो, उसे करंट लगा हो, या वो किसी और दिक्कत की वजह से स्ट्रॉइड ज़्यादा ले रहा हो, तो उस कंडीशन में, और भी काफ़ी कंडीशन है जिसमें एज से पहले मीन्स 40+ या 50+ से पहले एडल्ट में या न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये आई थिंक आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया हो कि मोतियाबिंद जो है ज़रूरी नहीं है बड़े में हो, देन वो न्यू बॉर्न बेबी में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम, क्या अगर मोतियाबिंद बच्चे में है तो उसका जो ऑपरेशन है वो है, मतलब उसका जो ऑपरेशन जो होता है वो बचपन में ही होता है, देन या फिर बच्चे की जो एज है वो 80+ में होती है, देन तब ऑपरेट करते हैं। अगर सबसे पहले वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, अगर लाइटली है, हल्का सा मोतिया है, देन उसको हम 6 या 7 महीने के लिए उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है मोतिया की कंडीशन पर। सपोज़ करिए अगर बच्चे को मैट कैटरेक्ट है और मोतियाबिंद की ऐसी कंडीशन है कि उसको ऑपरेट कर देना चाहिए, नहीं तो आँख में काला पानी बनने की दिक्कत रहती है और काफ़ी और भी एडिशनल दिक्कत हो सकती है, तो उस कंडीशन में क्या है, पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं। देन अगर कोई 40+ का पेशेंट है, देन उसको क्या है, हम आँख को सुन करके, आँख में इंजेक्शन लगाकर आँख को सुन करके ऑपरेट करते हैं। देन अगर बच्चे में मोतियाबिंद होता है तो बच्चे को नॉर्मली बेहोश किया जाता है, उसको केवल हम आँख को सुन करके उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते,
बच्चे को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अगर बच्चे को हम नॉर्मली उसकी आँख को सुन करेंगे तो उस कंडीशन में अगर बच्चा क्या है पूरा प्रॉपर कॉपरेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो अगर बच्चे में, जैसे कि मैंने बताया, अगर बच्चे का हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको हम बेहोश कर देते हैं, देन उसके बाद हम उसका ऑपरेशन करते हैं। आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि बच्चे को मोतियाबिंद हो सकता है या नहीं, बच्चे का ऑपरेशन बचपन में हो सकता है या नहीं, या 40 या फिर जो बच्चा है उसका वेट करते हैं कि इसका 80 प्लस एज होनी चाहिए, देन तब उसका ऑपरेशन करें। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें क्या है, बच्चे की एज काफ़ी कम है और इसको क्या परेशानी है और इसका मोतियाबिंद कौन सी आँख में है। तो चलिएगा मैं आपको वीडियो से समझाती हूँ। सो जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट आई में क्या है, बच्चे को मोतियाबिंद की शिकायत है जो अम्बरिश कलर का दिखाई दे रहा है। अगर मोतियाबिंद ज़्यादा पक जाता है तो वो क्या है, एक पत्थर की तरह दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि आँख में कोई पत्थर रखा हो। तो लेंस जो है वो अम्बरिश कलर है मोतियाबिंद का। देन अभी ये मैट कैटरक्ट की कंडीशन में नहीं है, राइट आई में कोई मोतियाबिंद नहीं है, देन सारा सब कुछ क्लियर है, क्लियर ग्लो है, बट दोनों आँखें क्या है कंटिन्यू मूवमेंट कर रही हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो, कंटिन्यू मूवमेंट है जिसको हम बोलते हैं निस्टाग्मस। तो इनको क्या है, दोनों आँखों में निस्टाग्मस की प्रॉब्लम है बच्चे को। जैसा कि आपने इसमें देखा, ये जो बच्चे की जो एज है वो 6 ईयर एज है, देन इसको डाउन सिंड्रोम की भी कंडीशन है। इसमें आपने एक चीज़ और देखा होगा, बच्चे की जो दोनों आँख है वो क्या है मूवमेंट कर रही है कंटिन्यू, इट मीन्स बच्चे को क्या है लेफ्ट आई में मोतियाबिंद भी है और इसको निस्टाग्मस की भी प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको मैंने वीडियो प्रैक्टिकली दिखाई, आपको समझेगा क्या है ऑपरेट कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही आई से रिलेटेड न्यू नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।